केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज प्लामू पहुंची, जहां प्लामू छतरपुर के हाई स्कूल मैदान में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रैली के जनसभा में हुई शामिल। इस जनसभा में प्लामू सांसद बीडी रामचंद्रपुर, विधायक पुष्पा देवी, पूर्व सांसद मनोज भुइयां सहित कई बीजेपी पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत की सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है, वादा खिलाफ के विरोध में यह परिवर्तन रैली है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। रोजगार तो दिए नहीं, बल्कि रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया। हेमंत सोरेन केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं प्लामू सांसद बिशुनदयाल राम ने कहा कि पहले रघुवर दास की सरकार थी तो नक्सलियों का सफाया हो चुका था और भ्रष्टाचार पर्याप्त रूप से खत्म हो चुका था, लेकिन हेमंत की सरकार में नक्सली बढ़ते जा रहे हैं, लूटपाट की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं स्थानीय विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से झारखंड बदलेगा और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पलामू में 20 तारीख से शुरू हुई बंसीधर और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम ये प्रखंड गांव-गांव तक ये यात्रा जाएगी। और आज राज्य के अंदर जिस तरह से ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, पूरे राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के युवाओं को धोखा देने का काम किया, महिलाओं को धोखा देने का काम किया, राज्य की जनता को धोखा देने का काम किया, जल जंगल जमीन की बात करने वाले जल जंगल जमीन को बेच के खाया। तो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ पूरे लोगों में, पूरे राज्य में लोग बदलने के मूड में है और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों का काफी हमें विश्वास है। कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि खाने का व्यवस्था है, कितने आप खाना खा कर ही जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान झारखंड में बहुत ज्यादा जनसंख्या में घुस गए हैं, क्या घुसपैठ किए? आज कहीं ना कहीं संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। संथाल परगना के साथ साथ अगर देखें तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सोचने विषय है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार को फटकार भी लगाई और इसके वजह से आज जो हम बेटी रोटी और माटी की बात जो हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज संथाल परगना के अंदर आदिवासी हमारी बच्चियों को बाला मुस्कान फुसला कर वैसे बैठिए शादी भी करते हैं और लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद भी वहाँ पे चल रहा है। यानी वहाँ हमारी आबादी भी घट रही है, आदिवासियों की आबादी भी घट रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। और घुसपैठिए जिस तरह से पूरे जगह वो घुस में वो आकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, या हमारी आदिवासी बहनों के साथ शादी कर कर जमीन कब्जाना या तो ये निश्चित तौर पर डेमोग्राफी बदल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को ये सोचने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ये इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय कितना है 1000 देने के नाम पे पहले 300 रुपया कमीशन से लिया गया। कितने लोगों को जब काम का समय है उस समय ध्यान नहीं आया, जब अब चुनाव सर पर है तो मैया समाज की याद आ रही है। ये 72,000 देने वाले देखिए, नक्सल समस्या तो बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है और खास करके झारखंड राज्य को कि वो सुनिश्चित करे कि नक्सली अपना फन पुनः नहीं उठा सके। अब वो बंद कॉल देने लगे हैं, ये बंद कॉल देना उनका बंद होना चाहिए। बंद कॉल देने से होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन जनता के दिलों में दहशत पैदा होती है, गाड़ियां रुक जाती हैं, लोगों के आवागमन में कठिनाई होती है और लोगों को ये ऐसा लगने लगता है कि फिर वही ज़माना आने वाला है क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है तब तब सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, नक्सल गतिविधियाँ नियंत्रित की जाए और सरकार को आशातीत सफलता मिले, चाहे वो झारखंड का पलामू का क्षेत्र हो, लातेहार का क्षेत्र हो, चाईबासा का सरंडा जंगल हो, सब क्षेत्र में नक्सल गतिविधियाँ कम हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार और खास करके देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी बहुत बहुत बधाई के पात्र। परिवर्तन रैली और आपको कहने का कुछ मिला।
होगी। आप और झारखंड में परिवर्तन रैली देखा के रहेगा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। तो हम लोग का झारखंड सरकार बीजेपी के बनेगा, कमल के फूल खिलाएगा और हेमंत सरकार को कबाड़ के पीटेगा। और बहुत जल्द आप लोग का सरकार बीजेपी का बनेगा। भाई मुरुंदाग पंचायत में हम देखे कि कम से कम कर्ताओं के लिए 10 गो रोड हम देखे कि बना है, उनका बोर्ड लगा हुआ है। और मनो साल में कम से कम साल में 5-6 बार घुस जाते हैं और घर पहुँचते हैं। चंपाटल मेरा गांव में हमारे पंचायत में करीब 15 गो गाड़ी और जो अति होता है टंकी 6 को बैठा है मेरा पंचायत। तो इसलिए हम लोग विश्वास है कि उनको हम लोग फिर रखे और मत से अपन क्षेत्र से बहुत मिलते। आपके गांव में जाते हैं तो मिलते हैं, मुलाकात होती है? हाँ, मिलते हैं रोड पर गाड़ी खड़ के और जिसका नाम जानते हैं उसको बोला। आपके साथ कैसा मतलब संबंध है? संबंध हम लोग का पंचायत में लेवल पर बता रहे हैं, 100 में 75। और इसमें हम लोग दिल दिमाग से मैंने वोट देते हुए दीवाना भी है और मोदी जी को सरकार के इंसान वोट देके लाना है। पुष्पा देवी का कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रहा। अभी हम लोग का साथ दिया और दे भी रहे हैं। 25 उन्हीं टिकट मिलना चाहिए। कौन पंचायत से हैं? हम किशनपुर पंचायत से हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं। जखनी वक्त हम लोग का आता है फोन करते हैं, पहुँच जाते हैं। गरीबों का मसीहा है, गरीबों का ही मसीहा है।